सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, जहां बीजेपी आज देश भर में सभी राज्यों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ प्रेस को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम योगी लखनऊ के ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों के हित में किए कामों को जनता के सामने रखेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। बता दें, पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के लिए आज पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्या कुछ तैयारियां? जी मयूरी, आपको बता दें कि पीएम मोदी के 9 साल पूरे हो गए हैं और पीएम मोदी साफ तौर पर पहले ही ऐलान कर दिया था कि पूरे देश में प्रेस को जो है उनका एक जनसंपर्क अभियान जो चलेगा, और ये जनसंपर्क अभियान जो है वो सभी जाके जो आम जनता है उनसे 9 साल के जो उन्होंने उपलब्धियां दी हैं, 9 साल में जो उन्होंने योजनाएं लाई हैं, उन सब चीज़ों को जनता से उन बताएंगे और उनकी उपलब्धियों को बताएंगे। वही आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी और राज्यपाल सभी वहां पे उपस्थित होंगे और उनके कार्यों को और जो उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उस पर जो रणनीति आज बनाएंगे उसको लेकर उन लोगों को संवाद करेंगे। और वही आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज इसको लेकर आपको बता दें जनसंपर्क होने वाला है, तो इसे लेकर जो उत्तर जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं बहुत पूरी तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि ये जो 9 साल का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव 2024 का हो रहा है उस पर पूरे तरह से ये असर डाल सकता है। इसलिए आपको बता सकते हैं कि पूरे भारत में इस 9 साल के कार्यकाल को यहाँ नरेंद्र मोदी खुद जाके इसकी जनसभा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। वहीं तमाम जो नेता हैं, अमित शाह को ले लीजिए या जिसे तमाम जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, सभी हर प्रदेश में जाके हर क्षेत्र में जाके और जनसंपर्क करेंगे और मोदी जी की जो 9 साल का जो कार्यकाल है, जो उपलब्धि है, जो हमारे देश को इतना गौरव प्राप्त कराए हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त कराए हैं उसको जाके जनता से रूबरू कराएंगे। वही साथ ही जनता की जो समस्या भी होगा उसका भी सुनेंगे और उस पर तत्काल उस पर काम भी करेंगे। तो ऐसे तमाम जो आज आप समझ सकती है आज 2 तारीख है और इसको लेके पूरा बीजेपी है जो पूरी तरह से कमर कर चुकी है और तैयारियों में जुट चुकी है। आप भी जानती है कि जो बीजेपी है वो 365 दिन अपने चुनावी मुद्दे में मोडिंग में रहती है और वही एक चुनाव हुआ तो एक चुनाव खत्म, उस पर लगातार वो काम करती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा दिन है क्योंकि 9 साल पूरा हुआ है नरेंद्र मोदी का और उनके कार्यों का विवरण जनता के सामने आना चाहिए। आपने हाल में ही देखा कल जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो किस प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं किस तरह विधि विधान से पूजा की और उन्होंने अपने जो वहाँ पे कर्मचारी थे उसका भी स्वागत किया। तो इस तरह से देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने कामों को लेकर अपने देश के प्रति जो उनका दिखता है उस सभी को लेकर हमेशा आगित रहते हैं और उन चीज़ों को दुनिया को समझाते हैं। जी मैं भी सुहानी, आज सीएम योगी लखनऊ के ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 11 बजे, कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि सुबह के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं कि जब आपको बता दें कि जब भी कोई चुनाव होता है या किसी भी वो रहते हैं वो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं,
चाहे वो चुनाव हो चाहे वो बैठक हो, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे हुए तो उसको लेकर जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो कहीं ना कहीं इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ताज होटल में उसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, वहीं आपको बता दें कि इसमें उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, जितने कार्यकर्ता हैं उनके और जितने वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल इसमें हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये रणनीति तैयार करेंगे कि जो 9 साल पूरा उसे कहीं जनता के साथ दिखाया जाए। और आप भी देखती हैं कि हर बार कहीं भी अगर जनसभाएं करने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जो जनता है उनकी बातों को सुनते हैं और तत्काल उस पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो बैठकें हैं तमाम उसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जी मयूरी जी, धन्यवाद सुहानी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जहां एक तरफ 2024 का चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। बता दें सीएम योगी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। यूपी में विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत आज मतदान जारी है। विधान भवन के तिलक हॉल में विधानसभा के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं सीएम योगी ने भी मतदान कर दिया है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके 1 घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और रात 9 बजे तक उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दोनों रिक्त सीटों के लिए 2 अलग-अलग मतदान बूथ बनाए गए हैं। बता दें एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, यूपी में ये उपचुनाव हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज ये एमएलसी उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। भाजपा ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, वहीं सपा ने कास्ट कार्ड खेला है। बता दें कि इस एमएलसी चुनाव में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, एमएलसी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, देखा जाए सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। जी मयूरी, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव जो रिक्त हो चुका था दोनों सीटें, आपको बता दें कि वही ब्रिज जो ये उनका नाम जो जिनका निधन हो गया था, इसके वजह से ये जो बनवारी लाल जो हैं उनका निधन हो गया था और इनका कार्यकाल जो था वो 2028 तक था और इसलिए इनका रिक्त जो उनका सीट जो है वो रिक्त हो गया। और दूसरा जो है लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, उनका उन्होंने 15 फरवरी को जो इस्तीफा दे दिया था और उनको सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किया गया था, इसलिए ये दोनों सीट रिक्त है और इसलिए आज एमएलसी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव आज सुबह 9 बजे से 4 बजे शाम तक होगा, वही 1 घंटे बाद इसकी मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। आपको बता दें मयूरी कि इसका जो जो रिजल्ट है वो 9 बजे रात तक भी आ जाएगा। और आपको बता दें कि इस एमएलसी चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी दोनों के बीच एक अहम इस पर टकराव हो रहा है और वही आपको ये बहुत बड़ा एमएलसी चुनाव जो है मुद्दा भी रखता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आप देख सकते जो निकाय चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे मुद्दे रखते थे, वही एमएलसी चुनाव भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। वही बता दिए आज जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीट है वो 100 है, जिसमें से 74 सीट जो है सदस्य है जो बीजेपी के पास है और 6 जो है 9 जो सदस्य है वो अभी सपा के पास है। तो इसे तमाम जो सीटें हैं उसको लेकर जो सपा है पूरी तरह से रणनीति बनाई है। इस बार कास्ट कार्ड भी खेले हम, आपको बता दें कि साफ तौर पर जो सपा है वो बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनके राजभर उनको उन्होंने खुला पत्र लिखकर कहा है कि समाज को अगर बचाना है, अगर पिछड़े जाति को बचाना है तो हमें ये उपचुनाव में जीतना होगा। तो कहीं ना कहीं जो सपा है वो इस पर पूरी तरह से अपनी रणनीति बना रही है जीतने के लिए। तो वही बीजेपी जो है वो कल रविवार को एक मैराथन बैठक की थी और पूरी रणनीति बनाई थी, क्योंकि कहा ही जाता है कि जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है छोटे से छोटे चुनाव में भी वो पूरी अपना 100% देते हैं और उस पर रणनीति बनाते हैं। बात करें कि इसमें जो 2 उम्मीदवार हैं सपा के और वही बीजेपी के, तो उसमें आपको बता दें
कि उम्मीदवार जो मानवेंद्र सिंह हैं और बीजेपी में और पद्म सिंह चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि सपा में जो राम रतन राजभर और कौशाम्बी निवास रामकरण निर्मला उम्मीदवार है। तो दोनों के अलग अलग जो उम्मीदवार घोषित किया गया है और वहीं दोनों के लिए अलग अलग बूथ भी बनाया गया है। तो आपको बता सकते हैं कि जो MLC चुनाव है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बीजेपी और सपा के लिए अहम मुद्दा है और इसे जीतने के लिए दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मयूरी स्वानी, देखिए मतदान सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गया है, तो विधान भवन में कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? जी मयूरी, आपको बता दें कि आज विधानसभा का जो MLC का जो चुनाव है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है और इसके लेके पुख्ता एग्जाम भी किया गया है। उसके जो सुरक्षा आपकी बात कर रही है तो सुरक्षा भी पूरे तरह से तैनात है, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही जो वोटिंग है वो शुरू हो गया है और शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगा, वहीं मतगणना भी 1 घंटे बाद 5 बजे से शुरू हो जाएगा। बात करें कि इसके चुनाव के लेकर तो सपा इस पर कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज़्यादा दावेदारी उनका सामना कर रही हैं और वही 8 बजे से सपा अखिलेश यादव ने वहां जाकर अपने विधायकों के साथ 8 बजे आज सुबह रणनीति तैयार की। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है अपने इस चुनाव के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और उनको जीतने के लिए पूरी तरह से कोशिश भी कर रही है, क्योंकि सपा के जो अध्यक्ष खुद अखिलेश यादव ने बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनसे जाकर उन्हें खुला पत्र लिख के उसे जीतने के लिए उनके संपर्क किए हैं। तो ऐसे तमाम जो है इस MLC चुनाव के लिए दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब 9 बजे नतीजा आएगा और देखा जाएगा कि आखिर MLC चुनाव पे किसकी जीत हुई है। जी मैं सुहानी, देखिए भाजपा ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, वहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए जीत आसान नहीं है। जी मयूरी, वही आपको बता रहे हैं कि देखा जाता है कि जब भी हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो अपने चुनाव से पहले अपनी रणनीति बना लेते हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो विधायकों का MLC की बात करें तो वो पहले ही लिस्ट जारी कर चुके हैं और अपनी दो उम्मीदवार भी जो घोषित किए हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव में जो बीजेपी का है वो पल्ला भारी है, वहीं अब क्योंकि इस बार जो 74 जो सदस्य है 100 में से वो बीजेपी के पास है और वही जो सपा के पास अभी 9 सदस्य है और वही बसपा की बात करें और अन्य पार्टियों की बात करें तो एक एक अभी उनके पास सीट है। तो यही बात करें अगर MLC सदस्यों की तो बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में अभी 100 सदस्य है जिसमें से 10 जो है जो राज्यपाल उसके मनोनीत करती हैं और अन्य सीटों पर चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो बहुत बड़ा एक बीजेपी और सपा के लिए कड़ा मुकाबला है और उसी पर देख के जो बीजेपी है अपने इस MLC चुनाव के लिए रणनीति और मैराथन भी कल की। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो सभी चुनाव को बहुत अहम मानते हैं और उसकी तैयारियां पहले से ही करके बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो अपने चुनाव के लिए हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं और उसमें तमाम जो अपनी कार्यकर्ताओं को भी और एक ही नहीं सभी इसमें जितने भी इसमें नेता होते हैं इसमें जम के इसमें काम करते हैं और अपने सहयोगियों के साथ हमेशा तत्पर बने रहते हैं। जी मयूरी जी, धन्यवाद सुहानी हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें यूपी में MLC उपचुनाव में मतदान सुबह 9 बजे से ही जारी है। बता दें कि आज रात 9 बजे तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। वहीं भाजपा ने व्हिप जारी कर दिया है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लिए जीत आसान नहीं है। बता दें कि MLC के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, MLC उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, देखें दोनों समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधा मुकाबला है। जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर आज सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको लेकर व्हिप जारी कर दी गई है, शाम 4 बजे तक मतदान होगी। बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज ही 5 बजे इस चुनाव के रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी और अगर बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण आचार्य के
और साथ ही साथ बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद खाली हुई थी। आपको बताया कि लक्ष्मण आचार्य को राज्यपाल बनाया गया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। अब ये सीट पर बनवारी लाल दोहरा के निधन पे खाली हुई थी। तो यानी कि एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया था और एक व्यक्ति शोक सिधार गए थे, जिसके बाद इन दोनों सीटों पर मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है, और इसको लेकर अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद इस चुनाव को काफी दिलचस्पी के साथ दोनों दल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो पहले ये दोनों सीट भाजपा की ही पास रही है, और माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन को प्रत्याशी बनाया गया है, चुनावी मैदान में है। और आपको बताएं कि वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी एससी कार्ड खेलते हुए दो ओबीसी और एससी समाज के चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। तिलक हॉल में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और साथ ही आपको बता दें कि विधान परिषद में अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव में 20 साल बाद मतदान किया गया है, तो लगभग 20 सालों के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2002 में ऐसी स्थिति बनी थी जब चुनाव हुआ, बाय इलेक्शन हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि बहुमत की अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में 274 सदस्य है उनको उनके घटक दल को मिलाकर, और 202 विधायकों के मतों से कहीं ना कहीं ये दोनों प्रत्याशी अपनी चुनावी जीत हासिल करेंगे। साथ ही बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम जतन राजभर और निर्मल के अब आशा अपेक्षा है कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग में कहीं ना कहीं उन्हें अन्य दलों के भी नेताओं का समर्थन मिलेगा। अगर बात की जाए मयूरी तो चुनाव से पहले ही ये दोनों नेता कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम विपक्ष के दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पत्र के माध्यम से समर्थन मांगने का काम किए थे। और मयूरी सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस चुनाव में जो विपक्ष की कुर्सी है विधान परिषद उत्तर प्रदेश की, वो लंबे अरसे से खाली है, विपक्ष कोई नहीं है विधान परिषद के अंदर में। तो और सपा के पास 9 विधायक है, 100 सीटों वाली कहीं ना कहीं इस सीट पर अगर एक सीट सपा के हाथ में जाती है तो सपा एक बार फिर विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगी। जी विवांशु देखें तो बसपा कांग्रेस सुबासपा ने अपने कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं, तो इनका किसको समर्थन मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां एक तरफ कल अपने विधायकों की बैठक करते हैं और एक बैठक को लेकर ब्रीफिंग की जाती है कि कैसे चुनाव होगा क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए, उसी क्रम में निषाद पार्टी और साथ ही साथ सुभासपा और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सपा के कैंडिडेट के द्वारा एक पत्र भेजा गया था, जिसमें साफ तौर से पिछड़े समाज के होने के नाते उनका समर्थन मांगा गया था। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधान परिषद के चुनाव के अंदर में ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल अपना दल से, साथ ही साथ संजय निषाद पार्टी से, इन तमाम नेताओं से कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आए थे। मगर इसको दरकिनार करते हुए आज जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है और सुबह के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिलक हॉल में अपना वोट देने जाते हैं तो उनके साथ सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर मौजूद रहते हैं। इससे साफ तौर से ये आशंका लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकता हो कि सुभासपा वोट की हो, क्योंकि बात करें तो ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं समर्थन में और उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं और उनकी बखान भी करते आए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो विधानसभा का सत्र था बजट का, जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर वायरल हुई थी, और आज एक बार फिर ये दोनों नेता एक साथ मिले हैं, तो इससे आशंका लगाई जा रही है कि सुभासपा हो सके तो भाजपा के साथ वोट दी है तो भाजपा के समर्थन में दी होगी। वो निश्चित तौर से परिणाम बताएगा, मगर ये चुनाव देखा जाए तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं पार्टी बेस पर नहीं रहा है। अगर इतिहास को उठाकर देखें
ये चुनाव विधायकों के चयन से हुआ है। और इस बार अगर बात करें तो 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद के अंदर में पकड़ बनाते हुए और 2018 में बहुमत के साथ विधानसभा में अपनी ये थाक जमाई। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दो महज एक सीट खाली थी, अब 100 सीट पूरे हो जाएंगे। तो एक लंबे अरसे तक भाजपा अपना एक साम्राज्य विधान परिषद में भी चलाएगी। जी धन्यवाद विधानसभा से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।